अपने पूरे होशो हवास में और बगैर किसी दबाव के इस बिल पर दस्तखत कर रहा हूं, जिसके तहत मेरे निधन के बाद मेरी कंपनी जैन इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वारिस मेरी पत्नी नेहा जैन होगी। इस घर की आधी वारिस मेरी जगह मेरी पत्नी नेहा जैन होगी और उसके बाद मेरा बेटा राहुल जैन इस सब का वारिस होगा। साइन बाई प्रताप जैन और दो गवाह। तो ये है जैन साहब प्रताप की विल। जब बनाई थी ये सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी पढ़नी पड़ेगी। न जाने क्या आया था उनके मन में। बस आपको बताना है हमें क्या करना है। वैसे सबसे पहले हमारे सामने मसला है वो ये कि इस बिजनेस का क्या किया जाए। अभी तो प्रताप साहब के पांव जमने ही शुरू हुए थे कि आप जानते हैं बैंक का लोन है। बैंक मैनेजर का मुझे भी कई बार फोन आया। बिजनेस ऐसे हो गया जैसे जहाज बगैर कप्तान। क्या जानता हूँ, क्या करूँ। मेरे जमाने में दरअसल मेरा बिजनेस कुछ और था। फिर प्रताप आया, उसने लाइन बदली, कंप्यूटर में चला गया। लेकिन देखिए अब इस उम्र में मेरे लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ, इसीलिए आपसे कहने की हिम्मत कर रहा है। एक ऑफर आया है, इससे आपके बैंक का और बाकी सारा कर्जा भी चुक जाएगा, कुछ बच भी जाएगा। पिताजी, पिताजी हम ये बिजनेस नहीं बेचेंगे। ये बिजनेस ही तो सब कुछ था उनके लिए। लेकिन अब इसे चलाएगा कौन? ऊपर से हमारे सर पे इतना कर्जा है, कल को बैंक अपना लोन वापस मांगेगा। लेकिन पिताजी ये बिजनेस उनका सपना था। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कंप्यूटर्स के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं और अब इस उम्र में किसी बाहर वाले को अगर चलाने के लिए देते हैं तो वो वैसे ही हमें नहीं पड़ो, नहीं हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है। हम इस कंपनी को बेच देंगे। तो राहुल की फिक्र है जी, नेहा को तो अपनी सुध-बुध नहीं और प्रताप सारा पैसा उसके नाम कर गया। मैं कहती हूँ कि आप कंपनी बेच तो रहे हो लेकिन सारा पैसा तो नेहा के अकाउंट में चला जाएगा ना। जैसे प्रताप बिल बना गया। लेकिन जब उसने किया था तो उसे ये तो नहीं मालूम था कि हालात ये होंगे। मुझे तो बस राहुल की फिक्र है। अरे कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं तो कहती हूँ कि सब कुछ आपके नाम होना चाहिए। सुनो, अभी भी लिखा पड़ी हो सकती है ना। मैं वकील से बात करता हूँ। क्या है ये? अगले दिनों में कई कागजात पर साइन करने पड़ेंगे। बार बार तुम्हारे पास भेजने से बेहतर होगा कि उन कागजात पर मेरे ही साइन चलते रहें। लेकिन पिताजी, नेहा
ये मर्दों की बातें, ज्यादा बहस नहीं किया करते। कर दो दस्तखत। तुम साइन करो। अब नेहा डार्लिंग कहाँ? क्या कर रहे हो प्रताप? यहाँ बैठो और यहाँ दस्तखत करो। मेरे दस्तखत क्यों चाहिए? अरे अपने नए यूनिट का पार्टनर बना रहा हूँ तुम्हें। मुझे नहीं बनना पार्टनर। अरे भाई इनकम टैक्स के फायदे के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ देर के लिए तुम दफ्तर आओगी, काम करोगी, मजा आएगा। दफ्तर में क्या करूँगी मैं? अरे काम सीखोगी भाई, और बिजनेस के बारे में तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, पढ़ी लिखी हो। आप जो है मुझे कोई फिक्र नहीं, बिजनेस के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहती। अगर मैं कल ना रहा तो? कैसी बातें करते हो? अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कम यहाँ कहो नेहा, अगर कल मैं मर भी जाऊं तो मेरा ये सपना ना मरे। नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। क्या? नहीं बिकने दूंगी उनके ख्वाब को। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना कि बेटे के बाद बहू भी बदल जाती है। नहीं माँ, मुझे गलत मत समझिए। देखो बहू, तुम समझने की कोशिश करो। नहीं पिताजी, कभी नहीं। शीतल, घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं मेरे ऐसे करने से। तहमतें लगाई जा रही हैं मुझ पर। कल तक जिन्हें मैं अपना समझती थी, वो इनके गुजरने के बाद ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं कोई बेगानी हूं। लेकिन मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल है, उनकी कंपनी। हाँ, लेकिन क्या करेगी तो इस कंपनी का? पता नहीं, इतनी इतनी बेबसी महसूस होती है ना शीतल। वो तो कहते थे दफ्तर आओ, काम सीखो, और मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ नेहा, औरत को अपने पति के काम के बारे में इतना तो जानना ही चाहिए ताकि कल को वो महताज ना हो जाए। बहुत सही कहा तुमने। खैर फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अच्छा मैं चलूँ, कल फिर आऊँगी। आज रात इनके साथ एक पार्टी में जाना है। ठीक है। तनुजी, साथ रहना चाहता हूँ इसीलिए अकेला आया हूँ। क्या मतलब? तनुजी आप राय इतनी अच्छी देती हैं कि अपनी बीवी को तुम कम से कम आपसे कभी नहीं मिलाऊंगा। नहीं तो बीवी छुट्टी कर देंगे। यही यहाँ तुम्हारे कॉलम की बात चली तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सहेली के बारे में तुमसे कुछ बात करूँ, शायद तुम उसकी कोई मदद कर सको। हाल ही में उसके पति गुजर गए, मुश्किल नहीं। क्या तुम कल कुछ वक्त निकाल कर उसे मिल सकते हो? कुदरत के आगे सर झुकाना ही पड़ता है नेहा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम्हें इसे बेस्ट पॉसिबल वे में जीना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने पता की कंपनी बेचने का फैसला कर लिया है? जी हाँ तनु जी, क्योंकि जिस पीढ़ी के वो हैं उनके लिए कंप्यूटर्स वगैरह समझना बिल्कुल नामुमकिन है। खैर ये बात तो नहीं, लेकिन ऐसा वो समझते हैं। तनु तुम्हें इससे बताओ कि ये क्या करे।
नेहा, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में कोई मकसद हो। तुम काम करो, क्योंकि काम ही तुम्हें ये दे सकता है। लेकिन मैं क्या काम कर सकती हूँ? अरे, इतनी बड़ी कंपनी पड़ी है तुम्हारे सामने और पूछ रही हो क्या काम करूं? तुम्हारे ससुर इस पीढ़ी के नाते हैं, लेकिन तुम तो हो। तनु ठीक कह रही है नेहा, प्रताप की कंपनी को बचाने का यही एक रास्ता है। तो वॉट इज स्टॉपिंग यू? नहीं, वो काम करने नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ जी? बस कह दिया ना कि हमारे घर की बहू बेटियां बाहर काम करने नहीं जाती। और फिर प्रताप को कुछ लिए भी दिन ही कितने हुए। नेहा बता रही थी माँ जी कि प्रताप इसे काम करने के लिए बढ़ावा देते थे। वो चाहते थे कि ये इनके काम का एक हिस्सा बने। लेकिन इस कंपनी को ये कैसे चला सकती है? पिताजी प्लीज, मुझे एक मौका तो दीजिए। बेटी, तुम हमें कर्जों में डाल दोगी, बर्बाद हो जाएगा ये घर। दूसरी तरफ आपके बेटे की कंपनी बच नहीं सकती है। देखिए, आप नेहा को बहू नहीं अपना बेटा समझिए। तो चाहे आप बड़े हैं, मैं फैसला आप पर करूंगी। ये मेरे असूलों के खिलाफ है कि घर की बहू काम करने बाहर जाए। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कल को मुझ पर ये तोहमत लगाई जाए कि तुम्हें मौका दिए बगैर मैंने ये कंपनी बेच दी। क्या आप बेविका कर लेने दो इसे अपनी जद पूरी। नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तुम देखना, हमारा ये छोटा सा यूनिट बड़ा होगा, कल और बड़ा होगा। बैठो नेहा, बैठो, अपनी कुर्सी पर बैठो। मेरी कुर्सी? हाँ, तुम्हारी तो है, बैठो ना। नई दुनिया में कदम रख रही हूं, मेरे साथ रहना। So now we have to take orders from woman. जानती क्या कंप्यूटर के बारे में? दो दिन में बात करी होगी। Look, let's not forget कि वो प्रताप सर की दीदी। तो घर में बैठे, यहाँ तो मैं सीनियर हूँ, अब वो हमें बताएगी क्या करना है। It's ridiculous. मैंने क्या बोला था? चलो बैठिए प्लीज। मैं ये फाइल स्टडी कर रही थी, इसमें लिखा है पेरोल स्पेसिफिकेशन। क्या ये प्रोग्राम बेसिक लैंग्वेज में लिखा है? जी नहीं, ये कबाल में है। कौन? कबाल भी कंप्यूटर की एक भाषा होती है। ओह, ये ऑर्डर कब तक? इसमें लिखा है महीने भर पहले जेम इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्टॉल होना था और दो रिमाइंडर्स भी आ चुके हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल कुछ और फैसले पेंडिंग है। कैन वी डिस्कस दैट? जैसे हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर एक रिसर्च कर रहे हैं। मैंने कंप्लीट, मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट हमें ड्रॉप करना चाहिए, हमारे देश में ये सुटेबल नहीं है। प्रताप साहब से भी मैंने बहुत बार कहा था, पर इस कंप्यूटर की डेवलपमेंट अभी चल रही है। मैंने वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दी है, फिलहाल मैं किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग मैं समझी नहीं। ये सब कुछ टेक्निकल है, इसे समझने के लिए कंप्यूटर की ABC जाननी बहुत जरूरी है। इस तरह डिस्कशन करना मुश्किल है। मैडम, मैं एक बैंक के लिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इस बैंक ने कुछ चेंजेस मांगे हैं, इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। लेकिन इसमें हिम्मत हारने की क्या बात है नेहा? मैं नहीं कर सकती तनु जी, मुझे कुछ आता ही नहीं और ऑफिस में वो लोग मुझ पर ऐसे झपटे। देखो नेहा, आज के जमाने में भी एक औरत को अपना बॉस कबूल करना मर्दों के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें अपनी तैयारी पूरी तरह करनी होगी। लेकिन कैसे? नेहा जी, कंप्यूटर्स में कई तरह के कोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म।
देखिए हमारी मैगजीन में तो आए दिन इसके इश्तेहार छपते रहते हैं। देखिए आप, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी ना, और लंबा कोर्स बाद में कर सकती हैं। राइट, आई मीन पार्ट टाइम, और वो तो आप अपने बिजनेस के साथ साथ भी कर सकती हैं नेहा जी। वेरी ट्रू। और देखो नेहा, ये जंग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हारनी, डोंट गिव अप सो इजीली। आपसे नहीं होगा, आइए मैं आपको और कुछ बताता हूँ। कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर पर काम करने से पहले इसकी भाषा जानना बहुत जरूरी है। भाषा? हाँ, कंप्यूटर की भी भाषा होती है? हाँ, कंप्यूटर की कई भाषाएं होती हैं, जैसे बेसिक, कोबोल, फोरट्रान। लेकिन सबसे पहले बेसिक भाषा का जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर की सबसे आसान भाषा है, और हर छोटे बड़े कंप्यूटर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सीखने के लिए हमारे यहाँ 10 हफ्तों का पार्ट टाइम कोर्स है। अच्छा अच्छा, ये कोर्स करने के बाद क्या नौकरी मिल जाती है? हाँ, इस साल करीब 30,000 नए पर्सनल कंप्यूटर्स मार्केट में आने वाले हैं, और हर कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामर की जरूरत होगी। जो लोग बड़े कंप्यूटर्स पर काम करना चाहते हैं उनके लिए कोबोल लैंग्वेज की जानकारी बहुत जरूरी है। कोबोल? ऐसा क्यों? क्योंकि ये खास लैंग्वेज है और इसके कमर्शियल एप्लीकेशन भी ज्यादा है। वैसे ही फोर्ट्रान लैंग्वेज इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कार्यों के लिए बनाई गई है। एक अच्छा करियर बनाने के लिए क्या इन सब भाषाओं का जानना जरूरी है? वैसे तो सारे काम बेसिक लैंग्वेज में भी किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कोबोल और फोर्ट्रान के इस्तेमाल से ज्यादा एफिशिएंटली किए जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो नेहा जी, अब आप और आपके ये कंप्यूटर्स, ऑल द बेस्ट। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोग्रामिंग का कोर्स कर ही लिया? जी हाँ अजीत साहब, बड़ा अच्छा रहा। साथ ही में मैंने मैनेजमेंट का पार्ट टाइम कोर्स भी ज्वाइन किया है। अच्छा, जल्दी मैं सिस्टम्स एनालिस्ट बन जाऊंगी। अच्छा, सिस्टम्स एनालिस्ट? जी हाँ। लेकिन ये क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम तैयार करते हैं, उनका काम कंप्यूटर से जुड़ा होता है। सिस्टम्स एनालिस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर और एंड यूजर यानी क्लाइंट के बीच की कड़ी होते हैं। Right. वो ये पता करते हैं कि क्लाइंट की जरूरत क्या है और उस हिसाब से एक सिस्टम तैयार करते हैं। इस सिस्टम को कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर में प्रोग्राम करते हैं। इससे तो बड़ी मदद मिलेगी आपको। जी हाँ, कल से मैं ऑफिस जा रही हूँ। नेहा जी, आधी जंग तो आप जीत ही चुकी हैं, बाकी की शुरुआत कल से। जी हाँ। Would you please come in? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। Let's review the latest position on pending projects. जेम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के पेरोल पैकेज का क्या हुआ? क्या हमने वो प्रोग्राम डेवलप किया है? उनके टेस्ट चल रहे हैं, अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे। और ये डिलीवरी कब तक होगी? यही 15 दिन। तब तक जेम्स इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद वो इन कंप्यूटर्स को खुद चला सकेंगे। गुड। हाँ, और दिनेश जी, आई थिंक यू कैन गो बैक टू द डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोजेक्ट। मैंने इसकी स्टडी की है और ये फैसला किया है कि हम ये कंप्यूटर मार्केट करेंगे।
छपाई की दुनिया में ये बिल्कुल रेवोल्यूशन ले आएगा। जी नहीं, मेरे ख्याल आपसे नहीं मिलते। वजह? दो वजह है। इसके प्रिंटर का साइज बहुत बड़ा बन रहा है और छपाई का मार्केट काफी कंजर्वेटिव है। वो अपनी छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस की जगह हमारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से दिनेश जी, ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा तो लोग अपनी छपाई का तरीका बदल लेंगे। वो ये कंप्यूटर जरूर खरीदेंगे और इसके प्रिंटर के साइज पर हम काम कर सकते हैं। आई टेक अप दिस चैलेंज। लेकिन ये तो मेरा प्रोजेक्ट है, तुम उस काम को छोड़ दो। ठीक है, तो मैं मिस्टर जैन से बात करना चाहूंगा। अगर ये धमकी है तो आप शौक से बात कर सकते हैं। बहू सुनो, दफ्तर से मुझे कंप्लेंट आई है। दिनेश ने की ना? वो मुझे अपना इस्तीफा दे के गया। देखो, मैं अब भी कहता हूँ इस कंपनी को बेच दो, वरना कल को हम सब सड़क पर होंगे। पिताजी, ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था और मुझे विश्वास है कि वो सही थे। एक बार ये कंप्यूटर तैयार हो जाने दीजिए, ये हमारे यहाँ नई शुरुआत होगी पिताजी। लेकिन बहू तुम ये, पिताजी प्लीज उस पर विश्वास रखिए। सक्सेसफुल हुई। ये देखिए, इस बिजनेस मैगजीन हमारे कंप्यूटर के बारे में राइटअप छपा है। रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर। मैडम, ऑर्डर से ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर से ऑर्डर। कावर, वी डिड इट। ब्रेक लगा, एक्सीडेंट हो गया। अरे सुनती क्या नहीं है? वाह मुन्ना राहुल जी। ये दबाओ, ये कितना? चार बार तनु जी ठीक ही कहती थी, तो मेरी बहू नहीं, बेटा हो, बेटा।